तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से? क्या हो गया आपको? जूते समेत हमारे सर पे नाच रही है वो, और फिर भी आप मुझसे खफा हो रही हैं। ऐसा क्या कह दिया उसने जो तुम्हें इतनी आग लग गई है? देखा था ना तुमने अभी किस तरह से परेशान हो रही थी हमारे बिना बताए जाने पर। कोई परेशान नहीं हो रही थी। अरे भाई, वो हमेशा हमारी टो में लगी रहती है, आपको तो पता नहीं क्या कुछ सोचता रहता है। मैं जा रही हूँ चेंज करने। देख रहे अपनी बीवी की हरकतें, आज इसका कदर के साथ ये रवैया, कल को पता नहीं क्या करेगी ये। आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझाऊंगा इसे। बेहतर भी यही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हारी जिद मान तो ली है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी को अपने हम्माद की बेवा के साथ कोई ज्यादती करने नहीं दूंगी। अच्छी तरह से समझा देना इसे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझा दूंगी, परेशान नहीं, समझाता हूँ। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया होता शायद मैं इस मुश्किल से कभी आजाद नहीं हो पाता। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है, हमारे लिए रास्ते तो अल्लाह ने खोले हैं। मुझे और अतीला बाजी को इतनी हिम्मत दी कि हम इस मुश्किल वक्त से लड़ सके। वाकई वो बहुत गफूर हो रही हैं। उसने मुझ जैसे गुनहगार इंसान को अदा करने के लिए दोबारा जिंदगी दे दी। अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि इंसान खुले दिल से उसे तौबा कर ले, और फिर वो अपने बंदों को माफ कर देता। पता नहीं क्यों मुझे बार बार उसकी बीवी का ख्याल आ रहा है। उसके साथ मैंने एक ज्यादती उसके शौहर को मार करके और उसे यहां से खुद जिंदा निकलकर मैं जाऊंगा उसके पास। मुझे माफ तो नहीं करेगी, लेकिन मैं माफी जरूर मांगूंगा उससे। हो सकता है से माफी मांगते रहने में मेरा सुकून पोशीदा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हम पर कर्ज भी है और फर्ज भी, क्योंकि असल नुकसान तो उसी का हुआ है। उसने तो अपना सब कुछ खो दिया है, उस लड़की की तो जिंदगी तबाह हो चुकी है। लेकिन वासे, हमसे जो कुछ हो सका हम उसके लिए जरूर करेंगे।